आज हम बात करेंगे वीआर बॉक्स की। तो दोस्तों आप लोगों की कमेंट आ रही थी, मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना रखी है, लेकिन दोस्तों उसमें थोड़ी सी क्वालिटी और थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं थी वॉइस, इसके वजह से आप लोग को थोड़ी दिक्कतें हो रही थी, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। और साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं आपको वीआर बॉक्स के बारे में बताऊँगा कि किस तरीके से आप वीआर बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं किसी भी मोबाइल में। तो दोस्तों किसी भी मोबाइल में अगर आपको वीआर बॉक्स को यूज़ करना है तो उसके लिए हमने पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन पर दिख रही होगी, वहाँ से आप देख सकते हैं कि वीआर बॉक्स को किसी भी मोबाइल में कैसे करना है या वीआर बॉक्स को यूट्यूब की वीडियो वीआर बॉक्स में कैसे चलानी है। तो इन सब के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं, आई बटन पे आपको मिल जाएगी, साथ में एंड स्क्रीन पे भी मैं दे दूंगा। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि वीआर बॉक्स को यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों यह है मेरे पास लिनोवो वाइब K5 नोट का फोन, तो देख सकते हैं आप यहां पर मैंने इसमें वीडियो को चला रखा है। अभी मैं आपको मॉडल वगैरह इसका दिखा देता हूँ, तो उसके बाद में अभी हम बात करेंगे कि वीआर बॉक्स को कैसे यूज़ करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको वीआर बॉक्स का थोड़ा बता देता हूँ कि वीआर बॉक्स क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करना होता है। तब वीआर बॉक्स दोस्तों एक ऐसी चीज़ समझ सकते हैं आप कि आपको सिनेमा हॉल का मज़ा आपको घर पर ही लेना हो। तो दोस्तों इसके अंदर दो लेंस लगे होते हैं और साथ ही में इसके ऊपर एडजस्ट वाले बटन लगे होते हैं दो, देख सकते हैं आप। ये लेंस अप डाउन करते हैं, लेफ्ट राइट करते हैं लेंस को, जो लेंस अंदर होते हैं आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप लेंस को। तो ये आपकी आंखों के हिसाब से आपको एडजस्ट करना होगा। साथ ही में ये आपको बेल्ट मिलती है तीनों तरफ से, तो इस बेल्ट को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी मैंने इसको छोटा कर दिया और अभी मैं इसको बड़ा कर सकता हूं, तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर आपको एक प्लेट मिलेगी जिसको आपको निकाल लेना है, तो प्लेट को सिंपली ऐसे निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और दोस्तों इसी के बेस पे हमारा जो वीआर बॉक्स है चलता है। तो दोस्तों इसके बेस पे कैसे चलता है, तो दोस्तों बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर लेते हो, वो पूछ रहे थे कि किस मतलब अपने अपने फ़ोन का मॉडल दे रहे थे कि इस फ़ोन में वीआर बॉक्स चलेगा, इस फ़ोन में वीआर बॉक्स चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वीआर बॉक्स जो है वो किसी भी फ़ोन में चल जाता है एप्लीकेशन के थ्रू। अगर आपके में वीआर बॉक्स का ऑप्शन नहीं आता तो एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी फ़ोन के अंदर चल जाएगा वीआर बॉक्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है दोस्तों आपके मोबाइल के साइज की। तो दोस्तों अभी मैं इसको लगा के दिखाता हूँ आपको, तब आपको पता लगेगा इसका स्पेशली साइज क्या है। तो उसको लगाने से पहले मैं दोस्तों आपको इसमें वीआर बॉक्स एक्टिवेट कर देता हूं। तो एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों आपको अपने पावर बटन को दबा के रखना है, सिंपली पावर बटन को दबा के रखने के बाद में आप देखेंगे आपके पास ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। तो वीआर बॉक्स के मोड पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपकी डबल स्क्रीन हो जाएगी फ़ोन में, आप देख सकते हैं मेरी डबल स्क्रीन होगी, इसका मतलब मेरा वीआर बॉक्स मोड में हो चुका है। तो अभी मैं वीडियो को चला देता हूं और चलाने के बाद में मैंने इसका साउंड बंद कर दिया जिससे कि आपको मेरा साउंड क्लियर आए। तो अभी आपको सिंपली क्या करना है, इसको फ़ोन को लगाना होगा। तो ये हमारे पास यहाँ ऐसे करके हम इसको लगा सकते हैं इसको सिंपली। तो अभी मैंने इसको लगा दिया है और ये हमारा फंस गया है, और फंसने के बाद में अभी आप देख सकते हैं ये इधर कैसे भी किसी भी तरीके से कर लो ये गिरने वाला नहीं है। तो दोस्तों 5.5 इंचीज तक का जो फ़ोन होता है वो इसके लिए एकदम परफेक्ट है, इसके साइज के लिए, या आप ये कह सकते हैं लिनोवो वाइब K5 नोट का जो फ़ोन है वो इसके लिए एकदम परफेक्ट है। इससे बड़ा अगर आप कोई भी फ़ोन लगाना चाहते हैं तो वो नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अगर आप लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका ये वाला जो पार्ट है जहाँ से फ़ोन हमारा फंसता है वो टूट जाएगा। तो दोस्तों इसके ऊपर भी मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि किस मोबाइल में आपका वीआर बॉक्स चलेगा, किस मोबाइल में नहीं चलेगा। चलिए अभी हम इसको अंदर लगाते हैं। तो सिंपली आपको जहाँ से आपने प्लेट निकाली थी वहाँ पर आप इसको लगा देंगे। लगाने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे वीडियो जो है वो अंदर चल रही है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से आप, मैं लेंस को आपको दिखा रहा हूँ सेट करके, ये ऊपर से सेट करते हैं जिससे कि आपको दिख जाए। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको लगाने के बाद में आप इसको अपनी सेटिंग के हिसाब से, मतलब जिस तरीके से आपके हेड में फिट हो आप इसको हेड में फिट करके यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, और दोस्तों हमने वीआर बॉक्स के ऊपर पहले से ही प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर जाके हमारी वीआर बॉक्स से रिलेटेड सारी वीडियो देख सकते हो। दोस्तों ऐसी नई नई वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीआर बॉक्स खरीदना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से खरीद सकते हैं।